हमास के साथ इसराइल का युद्ध दिन पर दिन और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। हर दिन इसकी कीमत न सिर्फ हमास के आतंकी बल्कि गाजा के आम लोगों को भी चुकानी पड़ रही है। ऐसे में हमास जल्द से जल्द इस युद्ध से निकलना चाहता है और इसके लिए वो हर दिन कोई ना कोई हथकंडा अपना भी रहा है, लेकिन इसराइल है कि मानता नहीं। इसराइल को धमकी दी, बात नहीं बनी। कुछ बंधकों को रिहा भी किया, बात नहीं बनी। कई देशों से दबाव बनवाया, बात नहीं बनी। संगठनों से हमला करवाया, बात नहीं बनी। सबकी रिहाई की भी शर्त रख दी, बात फिर भी नहीं बनी। अब हमास ने दे दी है इमोशनल धमकी। सवाल फिर वही है, क्या बनेगी बात? हर दिन इजरायल के हमलों में खुद को बर्बाद होता देख हमास घबराया हुआ है। हर रात के हमले के बाद सुबह के आंकड़ों में हमास आतंकियों की तादाद कम से कम होता देख हमास बौखलाया हुआ है। वो इजरायल को लगातार सब कुछ बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। वो इसराइल को फिर से 7 अक्टूबर जैसे कई हमलों की भी धमकी दे रहा है, लेकिन हमास को खत्म करने की कसम खा बैठे इसराइल को मानो ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है, बल्कि हर धमकी के बाद इसराइल का हमला और तेज होता जा रहा है। ऐसे में अब हमास ने एक नया दांव खेला है, इमोशनल धमकी वाला दांव। इसराइल के न्यूज पोर्टल के मुताबिक हमास ने अब अपने कब्जे में लिए इजरायली बंधकों के जरिए सरकार पर दबाव बनाने का प्लान शुरू किया है। इजरायली बंधकों के परिवार वालों को हमास की तरफ से मोबाइल पर मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि अल कसाम का संदेश है, अगर आप बंधक बनाए गए अपनों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जाहिर है हर कोई बंधक बनाए गए अपनों के बारे में जानकारी के लिए परेशान है और उसका हाल जानने को बेताब है। ऐसे में हर कोई इस लिंक को क्लिक कर रहा है और क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर एक और संदेश दिखाई पड़ता है, जिसमें हमास की सैन्य शाखा के नाम के साथ लिखा है कि हमने आपकी सरकार को कैदियों की अदला बदली की पेशकश की है, लेकिन आपकी सरकार की तरफ से इसे नामंजूर कर दिया गया। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम वही संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम इसराइल के सभी बंधकों को रिहा करने को तैयार हैं, बशर्ते आपकी सरकार फिलिस्तीन के सभी कैदियों को रिहा करे। हमास का यह संदेश न सिर्फ बंधक बनाए गए लोगों के परिवार तक पहुंचाया जा रहा है, बल्कि आम इजरायली लोगों तक भी इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मकसद साफ है, किसी भी तरह से युद्ध से बाहर निकलना। हमास जानता है कि बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायल के आम लोगों में गुस्सा है और बंधकों के परिवार हर दिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके दबाव बना रहे हैं। हमास अब इसी विरोध का फायदा उठाना चाहता है और लोगों को भेजे जा रहे इस मैसेज को वो बड़े मौके के रूप में देख रहा है। हमास जानता है कि अगर ये कार्ड काम कर गया तो कुछ बंधकों की रिहाई मात्र से ही वो इस जंग को बिना किसी नुकसान के जीत लेगा, क्योंकि नागरिकों की बंधक बनाने की रणनीति ही इस जंग से बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी, तो फिलिस्तीन के कैदियों की रिहाई हो जाएगी, इसराइल के पास हमले के लिए एक बड़ी वजह खत्म हो जाएगी, इसराइल पर साथी देशों का भी दबाव बढ़ेगा, समर्थक देश युद्ध विराम के लिए और मुखर होंगे और हमास पूरी तरह से बर्बाद होने से खुद को बचा लेगा।
लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के रुख और आक्रामकता को देखकर ये कह पाना मुश्किल है कि हमास का ये प्लान कितना कामयाब होगा, क्योंकि हर तरफ से हमले और दबाव के बाद भी इसराइल रत्ती भर भी पीछे नहीं हटा है और हमास को खत्म करने के लिए वो युद्ध के हर दिन को पिछले दिन के मुकाबले ज्यादा खौफनाक और आक्रामक बनाता जा रहा है। ऐसे में हमास की ये इमोशनल धमकी प्लान कामयाब होगी, इसमें शक तो जरूर है।